हाँ जी बच्चों, अब हम डिमांड के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो यहां पर आप देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड के डिटरमिनेंट्स क्या है, या फिर आप इसको कह सकते हो कि इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं जिससे कि किसी की भी इंडिविजुअल डिमांड अफेक्ट हो सकती है। तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपका स्टार्ट हो चुका है डिमांड में, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 5 से बनते हैं और आने वाला पूरा चैप्टर, चाहे मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जाऊं या 7 या 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड एमसीक्यूज, पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर ही डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ के हमें आगे बढ़ना है। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। बच्चे डिटरमिनेंट्स का मतलब है कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिससे कि किसी की इंडिविजुअल डिमांड डिसाइड होती है कि वो किसी कॉमोडिटी की कितनी यूनिट्स को डिमांड वो करेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जिससे किसी भी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती हो। जनरली आपको पता है कोई भी कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी ले लीजिए, उसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है, डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, डिमांड कभी इंक्रीज भी हो सकती है और डिमांड कई बार डिक्रीज भी हो जाती है। तो ये जो डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये बच्चे अपने आप तो नहीं आ रहे होंगे, कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा जिसकी वजह से इसकी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। उन सभी रीजन को फैक्टर बोल दीजिए या डिटरमिनेंट्स बोल दीजिए। तो व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मतलब डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, रीजन कौन कौन से हैं। तो हम उन सभी रीजंस को हम पढ़ेंगे। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा, डिमांड को अफेक्ट करने में सबसे दो रीजंस हम रखते हैं। डिमांड को अफेक्ट करने में दो बड़े रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीजन होता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ, सबसे पहला रीजन हमारा क्या होता है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ में बच्चे क्या होता है कि किसी भी आप कॉमोडिटी को लेंगे तो उसकी कॉमोडिटी की अपनी खुद की एक प्राइस भी होती है और उस कॉमोडिटी की अपनी एक डिमांड भी होती है। तो बच्चे यहां पर सबसे पहले इसकी प्राइस में चेंज आएगा और उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में इसकी डिमांड में भी चेंज आएगा। तो किसी भी कॉमोडिटी की प्राइस में, खुद के प्राइस में चेंज आने के बाद उसकी डिमांड में भी चेंज आ रहा हो तो इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी इटसेल्फ। क्लियर है बच्चों, या प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी। तो पहला रीजन तो यही है कि इसकी डिमांड फ्लक्चुएट होगी, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये खुद ही होगा, इट मीन्स इसका प्राइस ही होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, तो सर इसकी डिमांड में चेंज होने के लिए इसका प्राइस ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा, और कौन रिस्पॉन्सिबल हो भी सकता है। बच्चे इसके प्राइस को छोड़ दे तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, वेदर में चेंज। आप जैसे विंटर का वेदर आएगा तो वहां पर देखिएगा वूलन वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसका प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैशन में, ट्रेंड में चीजें आगे डिमांड बढ़ जाएंगी, आउट ऑफ फैशन होगी, डिमांड कम होगी। तो बच्चे ध्यान रखिए, किसी भी कॉमोडिटी की जो डिमांड में चेंजेस आता है उसके पीछे दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, एक प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक अदर फैक्टर। क्लियर है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या होता है, इस कॉमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो इसके प्राइस में चेंज आने की वजह से आ रहा है, एक रीजन तो ये है। और कई बार ऐसा होगा कि इसके प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया, प्राइस जो का तो है, प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी इसकी डिमांड अपने आप ही कम और ज्यादा हो रही है। तो अपने आप ही नहीं हो रही है, प्राइस, इसके प्राइस को छोड़ के फिर कोई और बाहर के ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं इसकी डिमांड को अफेक्ट करने में। उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस
को अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको सिंगल अगर नेम से रिप्रेजेंट करोगे तो उन सबको एक नाम में डाल देते हैं, अदर फैक्टर। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आता है, इसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, और एक कई बार इसके प्राइस तो कांस्टेंट है फिर भी इसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो उसको उन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, अदर फैक्टर के नाम से उसको हम कॉल करेंगे। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो अब आपको समझ में आया कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जो भी चेंज आएगा उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कितनी चीजें हैं, दो चीजें चेंज रिस्पॉन्सिबल है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चे कि कभी भी डिमांड में जब भी चेंज आएगा तो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी, डिमांड में जब भी चेंज आएगा या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो रिस्पॉन्सिबल दो चीज है, फर्स्ट प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड सेकेंड अदर फैक्टर। क्लियर है बच्चे, समझ गए आप? तो यहां पर आप देखें, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक अदर फैक्टर, तो हो सकता है इसके प्राइस की वजह से इसके डिमांड में चेंज आ रहा हो, तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, और मे भी हो सकता है प्राइस तो कांस्टेंट है बट एक्सटर्नल फोर्सेस कुछ लग रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, वो तो हम अभी पॉइंट नंबर टू से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर थ्री फोर पढ़ेंगे उसको भी हम, बट एक्सटर्नल फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, अदर फैक्टर। दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कम्युनिटी को डिमांड को अफेक्ट करने में। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि एट अ टाइम, एक टाइम पर जो डिमांड में चेंजेस आ रहा है, ये मान के चलना है, ये लेकर के चलना है कि एट अ टाइम, एक टाइम पर डिमांड में जो भी चेंजेस आ रहा है तो उस पर रिस्पॉन्सिबल इन दोनों में से कोई एक फैक्टर होगा। एक टाइम पर एक ही साथ दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी कम्युनिटी के डिमांड में चेंज को लेकर के। किसी कम्युनिटी डिमांड में चेंज आ रहा है तो हो सकता है कि उसकी प्राइस की वजह से, या फिर हो सकता है अदर फैक्टर की वजह से, कोई एक रीजन एट अ टाइम वर्क करेगा, दोनों रीजन रिस्पॉन्सिबल, दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे किसी डिमांड को एट अ टाइम चेंजेस के पीछे। तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, किसी भी कम्युनिटी के डिमांड में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो दो रीजन हो सकते हैं, एक तो प्राइस ऑफ गिवन कम्युनिटी, उसकी खुद की प्राइस ही हो सकता है, या फिर एक एक्सटर्नल फोर्सेस जिसको हम अदर फैक्टर कहते हैं, और एक टाइम पर दोनों में से किसी एक ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसके डिमांड में चेंज को लेकर के। तो अगर एक रिस्पॉन्सिबल है तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर प्राइस रिस्पॉन्सिबल है तो फिर अदर फैक्टर वहां पर कॉन्स्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, और अगर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर कॉमोडिटी प्राइस की, कॉमोडिटी की प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी कॉमोडिटी के डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फर्स्ट प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी और एक आपका अदर फैक्टर, और एट अ टाइम दोनों एक साथ रिस्पॉन्सिबल डिमांड में चेंज को लेकर के नहीं हो सकते हैं। एट अ टाइम दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी रिस्पॉन्सिबल है तो अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट है, और अगर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी कॉन्स्टेंट है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा और आपको मेंशन करना पड़ेगा, हमेशा बताना पड़ेगा, जी रिस्पॉन्सिबल ये है तो फिर जी ये कॉन्स्टेंट है, जी रिस्पॉन्सिबल ये है तो जी कॉन्स्टेंट ये है। ये चीजें आपको, अब कॉमन चीजें हैं इसलिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, ये पूरे के पूरे आपको आने वाले चैप्टर में ये चीजों को ध्यान रखना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको मेंशन करना है, देन अदर कॉन्स्टेंट है उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। तो आपसे कह रहा है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने के पीछे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो फर्स्ट रीजन कौन है, प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी। प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी के बारे में आप अच्छे से समझते हैं कि कॉमोडिटी की खुद की प्राइस ही उसकी डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। कैसे, अगर एक कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए, प्राइस इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसकी डिमांड को हम कम करते हैं। अब कम क्यों करते हैं, इसके पीछे तो हम कॉजेस बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, बहुत सारे रीजन है, हमारी परचेसिंग पावर कम हो गई है एक्सपेंसिव होने से, तो इसलिए हम उसको कम ले पा रहे हैं। क्लियर है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा है आपने, कि हाई प्राइस पर हमें अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को भी हाई रखना पड़ता है, क्योंकि कभी भी हम ऐसी डील नहीं करेंगे जिसमें कि हम जितना पे कर रहे हैं उससे कम हमें सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है।
तो हाई प्राइस पर हाई सेटिस्फेक्शन लेवल तो लोअर क्वांटिटी पे मिलता है, जितनी कम क्वांटिटी कंजम्पशन करते हैं या इनिशियल क्वांटिटी कंजम्पशन करते हैं तभी आपका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई रहता है, क्योंकि लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से आगे चल करके तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो फॉल हो जाएगा। इसलिए हाई प्राइस पर हाई सेटिस्फेक्शन लेवल रखने के लिए हमें लेस क्वांटिटी को कंज्यूम करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब बढ़ती है ना, तो उसकी डिमांड हम क्या कर देते हैं, कम यूनिट बाय करते हैं, और जब उसकी प्राइस कम होती है तो फिर हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं। इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हमारी परचेसिंग पावर हो सकती है, हमारे इसको हम रियल इनकम कहते हैं, हमारी खरीदने की शक्ति बढ़ गई हो। ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास पे पहले डिस्कस हुआ है, इसलिए फिर भी रिमाइंड करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे आप देखिए, डिमांड किसी भी कॉमोडिटी है, गुड्स एक्स, इसकी प्राइस और इसकी डिमांड, तो इसकी प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? ऐसा क्यों? आपने पढ़ा है, जब प्राइस ज्यादा हो जाता है तो आपकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, मतलब रियल इनकम कम हो जाती है, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, तो कम खरीद पाओगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे सस्ता हो जाता है तो आपके पास में खरीदने की शक्ति बढ़ती है, परचेसिंग पावर बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ती है, तो आप ज्यादा बाय कर सकते हैं। ये भी कह सकते हो आप, जब कीमत हाई होती है तो आप एज अ कंज्यूमर हमेशा वो जब भी पे करता है तो वो देखता है कि उतना उसको सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब प्राइस हाई है तो हायर सेटिस्फेक्शन लेवल वो चाहेगा, और हायर सेटिस्फेक्शन लेवल तो इनिशियल यूनिट के कंजम्पशन पर होता है, बाद में चल करके तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी नेक्स्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाता है, तो वो उसको मिलेगा पर प्राइस से कंपेटेबली कम रहेगा, तो इसलिए वो आगे चल के कंजम्पशन नहीं करेगा। इसलिए कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब इंक्रीज हो तो उसकी डिमांड कम होती है, और जब प्राइस डिक्रीज हो तो उसकी डिमांड हाई होती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटीज, तो प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आप देख रहे हैं कि किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है कौन, उसका प्राइस, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम, और प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गया। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहता है कि डिमांड को अफेक्ट करने के पीछे कौन कौन से चीजें रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कॉमोडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है, उसकी प्राइस। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है प्राइस और डिमांड में। इट मींस एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ गिवन कॉमोडिटी से टी इज इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विद फॉल एज सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द टी फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले शॉर्ट में इसको आप यही समझेंगे कि एक कमोडिटी है, इसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका प्राइस। प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड डिसाइड करने में सबसे बड़ा फैक्टर और सबसे पहला फैक्टर कौन होता है, इसका प्राइस। क्लियर है बच्चे? तो हमने यहां पर समझा कि दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी कमोडिटी को डिमांड को अफेक्ट करने में, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड अदर फैक्टर। अब प्राइस ऑफ गिवन गुड्स तो हो गया हमारा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अदर फैक्टर। तो हाँ जी बच्चे, अब हम पॉइंट नंबर टू पर आ जाते हैं, और जैसा कि आपने अभी तक ये समझ लिया है कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक तो उसकी खुद की प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल है, और एक कई बार उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है तब भी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट हो रही होती है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। उन एक्सटर्नल सभी फोर्सेस को हम एक कॉमन नाम से बुलाएंगे, वो हमारा है अदर फैक्टर। तो अब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी को पढ़ने के बाद अब हम आ जाते हैं अदर फैक्टर पे कि वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हैं जिसकी वजह से किसी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट हो सकती है। और आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखेंगे कि
किसी कम्युनिटी की डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो कोई एक ही फैक्टर हो सकता है, या तो प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स या फिर अदर फैक्टर। और अगर एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो फिर दूसरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं और आपको मैं यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि इस कॉमोडिटी की डिमांड जो अफेक्ट हो रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स यहां पर क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स में कोई चेंज नहीं आएगा। और अदर फैक्टर की वजह से, मतलब कि प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इसके प्राइस को छोड़ करके बाकी जो भी रीजंस हैं जिससे डिमांड अफेक्ट हो रही है उन सभी रीजन को हम अदर फैक्टर बोलेंगे। तो प्राइस यहां कॉन्स्टेंट रहेगा और रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, अदर फैक्टर रहेगा। तो इसलिए मैंने एक बड़ा बड़े हेडिंग डाल दिया, अदर फैक्टर, मतलब किसी कमोडिटी के प्राइस कांस्टेंट है फिर भी डिमांड अफेक्ट हो रही है, तो उसके खुद के प्राइस को छोड़ के बाकी जो भी सारे रीजंस हैं उन सभी रीजंस को हम अदर फैक्टर के में कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। तो बच्चे अदर फैक्टर में सबसे पहले आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर टू, जो कि हम अदर फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आ जाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो बच्चे रिलेटेड गुड्स, गुड्स से रिलेटेड, मतलब कि ये तो हो गया गिवन गुड्स, क्लियर है, समझ रहे हैं आप, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया गिवन गुड्स, मैं इसकी डिमांड की बात कर रहा हूं, और इससे रिलेट करने वाले गुड्स को रिलेटेड गुड्स कहेंगे। तो बच्चे यहां पर मैं आपको पॉइंट नंबर टू में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए किसी कमोडिटी की डिमांड अफेक्ट हो रही है और उस पर रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, और देखिए अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और इसकी खुद के प्राइस का कोई रोल नहीं है, मतलब प्राइस तो कॉन्स्टेंट है बट अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इट मीन्स अगर मैं इसके डिमांड में चेंजेस को अभी आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा तो इसके प्राइस का तो कोई रोल नहीं रहेगा, प्राइस तो कॉन्स्टेंट रहेगा, मैं अदर फैक्टर में चेंज ला करके इसकी डिमांड में चेंज करके दिखाऊंगा। तो यहां पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो प्राइस, किसके प्राइस की बात कर रहे हैं, इसके प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, इससे जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस की बात कर रहे हैं, इसके प्राइस तो कांस्टेंट है और इसके डिमांड में चेंज करके मैं बता रहा हूं। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसके प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, इसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चे इसके रिलेटेड गुड्स में दो तरीके की गुड्स होती हैं, किसी भी गुड्स को आप ले लो उसके दो तरीके के रिलेटेड गुड्स मिलेंगे, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कोई भी गुड्स लेंगे तो उससे रिलेट करने वाले दो गुड्स होंगे, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में, एक इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो बच्चे हर गुड्स से रिलेट करते हुए दो गुड्स होंगे, एक वो गुड्स जो उसके जगह पर आप यूज कर सकते हो जिसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, और एक वो गुड्स जिसके बिना वो यूजलेस है, जिसके बिना वो यूजलेस है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कोई भी चीज ले लो, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर को, मार्कर के जगह पर मैं चौक का भी, ब्लैक बोर्ड लेकर के मैं चौक का भी इस्तेमाल कर सकता हूं लिखने के लिए, तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, इसके जगह पर दूसरे को मैं ला सकता हूं यूज में। इससे रिलेट करने वाला एक और गुड्स है, वो हो गया इसके अंदर का इंक, इसके अंदर का क्या हो गया, इंक, इसके बिना ये फिर क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो कोई भी गुड्स आप ले लें, हर गुड्स से रिलेट करने के लिए दो गुड्स होते हैं, एक वो जो इसकी जगह पर यूज में लाया जा सकता है, एक वो जिसके बिना वो गुड्स यूजलेस है। तो इसलिए हर गुड्स के रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स आते हैं, एक सब्स्टिट्यूट और एक कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर ये सब्स्टिट्यूट्स गुड्स क्या है। तो बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर यूज में आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट्स गुड्स कहते हैं, जो एक के स्थान पर, एक के जगह पर दूसरे को हम यूज में ले आते हैं। तो हमने क्या करा, इस गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया दूसरी गुड्स से। एग्जाम्पल लेते हैं, आप जेल पेन से पेपर कर रहे हो और आपका जेल पेन खत्म हो गया, तो आपको, आपने अपना पेन देखा, दूसरा पेन निकाला, वो बॉल पेन निकला, आपने क्या करा, बॉल पेन से लिखना शुरू कर दिया। तो ये क्या हुआ, जेल पेन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, बॉल पेन से। तो जेल पेन और बॉल पेन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लेते हैं टी और कॉफी, आप चाय पीने के हैबिचुअल हो,
तो बच्चे जिस चीज को आप रूटीन में यूज करते हैं, डेली बेसिस पे जिस चीज को आप यूज में लाते हैं, वो आपका ओरिजिनल गुड्स होता है। और जब कई बार वो गुड्स नहीं है तो काम चलाने के लिए दूसरे गुड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं उसकी जगह पर, तो वो हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो स्पेसिफिक एक कोई टैग नहीं लगा हुआ, कोई टैग नहीं है कि ये आपका गिवन गुड्स है या ओरिजिनल गुड्स है या फिर ये आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ऐसा कोई टैग नहीं है। जनरली हर किसी के अपने यूज पर डिपेंड करता है। अगर आप टी का कंजम्पशन करते हैं, अगर आप चाय के हैबिचुअल हैं, टी के हैबिचुअल हैं, टी डेली रूटीन में आपका चलता है, तो टी आपके लिए गिवन गुड्स हो गया, या फिर आप कह सकते हो आपके लिए वो ओरिजिनल गुड्स है। पार्टी शादी में जब टी नहीं मिले तो आप क्या करते हो, फिर उस समय कॉफी से काम चला लेते हो अपना, तो कॉफी को आप कभी कदार यूज में ले आते हो टी की जगह पर, तो कॉफी आपके लिए सब्स्टिट्यूट हो गया। अपनी बात करूं अगर मैं एग्जाम्पल के लिए, वैसे मैं टी और कॉफी कुछ पीता नहीं हूं, ये मैं अपने एग्जाम्पल के लिए एक बार आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कॉफी का मैं कंजम्पशन करता हूं डेली बेसिस पे, तो कॉफी मेरे लिए क्या हो गई, कॉफी मेरे लिए ओरिजिनल गुड्स हो गई, जिसको आप गिवन गुड्स भी मैं कह सकता हूं। और कभी कभी जब कॉफी नहीं मिली, टी मिला, तो टी को ही मैंने कंज्यूम कर लिया, तो टी वहां पर मेरे लिए सब्स्टिट्यूट हो गया। तो आपके लिए कॉफी सब्स्टिट्यूट है, तो मेरे लिए टी सब्स्टिट्यूट है। इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में ही, पर्टिकुलर किसी गुड्स के ऊपर कोई टैग नहीं होता, ओरिजिनल गुड्स, गिवन गुड्स का या सब्स्टिट्यूट गुड्स का, वो आप यूज पे डिपेंड करता है। अगर आप पेप्सी का अगर आप कंजम्पशन करते हैं जनरली, तो वो आपके लिए ओरिजिनल गुड्स कह दो, वो आपके लिए गिवन गुड्स कह दो। कई बार पेप्सी ना मिले तो फिर आप कोक का कंजम्पशन करने लग जाते हैं, तो फिर कोक आपके लिए उस समय सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। तो बच्चे सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जिसको एक गुड्स की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट कहते हैं। इवन आप ये भी कह सकते हो जो हमारे एग्रीगेट जो टोटल डिमांड होता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक का जो डिमांड है वो क्या है, वो डाइवेट है, वो डिवाइडेड है किन पे, पेप्सी पे, कोक पे, थम्सअप पे, तो टोटल डिमांड को डिवाइड कर दिया है इसने, तो ये क्या है, ये सारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। क्लियर है बच्चे? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो आपने समझा इस चीज को कि किसी कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करने में उसके प्राइस का तो रोल होता ही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि पॉइंट नंबर वन में आपने समझा। पॉइंट नंबर टू में आप क्या समझ रहे हैं, अदर फैक्टर का भी रोल होता है, मतलब कमोडिटी के खुद की प्राइस जब कॉन्स्टेंट हो फिर भी डिमांड फ्लक्चुएट हो रही हो, मतलब इसके प्राइस का तो रोल नहीं है, तो प्राइस को छोड़ करके जिस किसी का भी रोल हो उन सबको अदर फैक्टर में कंसीडर करेंगे। तो अदर फैक्टर में हमने क्या लिया है, प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स नहीं लिया है, वो तो कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स लिया है, मतलब इसके प्राइस नहीं, इसके रिलेटेड गुड्स का प्राइस। और रिलेटेड गुड्स में फर्स्ट रिलेटेड गुड्स कौन सा पढ़ा है हमने, सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ा है, वो गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, यूज में ला सकते हो। तो यहां पर मैं ओरिजिनल गुड्स के प्राइस की बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं ओरिजिनल गुड्स के प्राइस की बात नहीं करूंगा, इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस की बात करूंगा। आप मुझे पता है आप सोच रहे होंगे, सर अभी तो आपने कहा था प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर किसी रीजन की वजह से डिमांड अफेक्ट होगा, बट आप यहां तो प्राइस में चेंज करके बता रहे हो। बेटा गिवन गुड्स के प्राइस में चेंज करके मैं नहीं बता रहा, वो तो कांस्टेंट है, मैं प्राइस में अगर चेंज कर भी रहा हूं तो इसके ओरिजिनल गुड्स के प्राइस में चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इसके रिलेटेड गुड्स जो है ना, इट मींस जो सब्स्टिट्यूट है, मैं सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज करूंगा और मैं इसकी डिमांड पे डिस्कशन करूंगा। एग्जाम में मैक्सिमम गलतियां होती हैं स्टूडेंट से, ये क्या कि बच्चा ये क्लियर नहीं कर पाता है कि उसको किसकी डिमांड पे डिस्कशन करना है और किसके प्राइस पे डिस्कशन करना है। बच्चा एग्जाम के अंदर एक तरीके से फ्लो फ्लो में बह जाता है, वो जिसकी प्राइस उसी की डिमांड या किसी की डिमांड किसी की प्राइस पे कुछ भी लिख रहा है, एग्जामिनर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो आने वाले क्वेश्चंस को भी वो उसी हिसाब से चेक करेगा। फिर बड़ा क्लियर रहना है आपको, यहां पर आपको दिखाना क्या है, आपको क्या दिखाना है, आपको ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में चेंज को दिखाना है। तो आप किसकी डिमांड पे चेंज पे डिस्कशन करेंगे, आप ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में चेंज पे डिस्कशन करेंगे। और सेकंड क्या है आपको यहां पर बच्चे आपको इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज बताना है।
तो प्राइस किसके प्राइस पे डिस्कशन करोगे? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के प्राइस पे डिस्कशन करोगे, और डिमांड पे किसके डिस्कशन करोगे? ओरिजिनल गुड्स की डिमांड पे। तो प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का, ये क्लियर रहना चाहिए। ओरिजिनल गुड्स का डिमांड एंड सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का प्राइस पे डिस्कशन करना है। आइए जरा इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। बच्चे यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं टी एंड कॉफी का, दो तरह के गुड्स ले रहा हूं, एक आपका ओरिजिनल गुड्स जिसको गिवन गुड्स कह सकते हैं आप, गिवन गुड्स, और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ओरिजिनल गुड्स। दो गुड्स, तो मान लीजिए रूटीन में जो हम कंजम्पशन करते हैं वो टी का कंजम्पशन करते हैं रूटीन बेसिस पे, तो टी मेरा ओरिजिनल गुड्स हो गया। वो डिपेंड करता है हर किसी पे, थ्योरी पे, कि कहीं पर टी और कॉफी है, बट लिखते समय पर हम मेंशन कर देंगे कि जी हमारा ओरिजिनल गुड्स टी है और हम इसकी डिमांड पे चेंज करके दिखाएंगे, और हम ओरिजिनल गुड्स टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर बताना है अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और यहां पर हम इसके रिलेटिव गुड्स का प्राइस लेंगे, मतलब कि इसके सब्स्टिट्यूट का प्राइस लेंगे। कैसे लेंगे जरा सामने देखिए, टी की डिमांड में चेंजेस को हम ऑब्जर्व करेंगे और कॉफी सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं, और कॉफी के प्राइस में चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर है बच्चे? अब आप देखिए, अगर सब्स्टिट्यूट की आपका सॉरी गिवन गुड्स है ना, ओरिजिनल गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा क्योंकि गिवन गुड्स को हम ओरिजिनल गुड्स कहते हैं। ये क्या हमारा सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्लियर है ना? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? कॉफी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और ओरिजिनल गुड्स के डिमांड पे डिस्कशन है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका प्राइस तो क्या रहेगा, ओरिजिनल गुड्स जो है इसका प्राइस क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा इसका, कांस्टेंट, ये चीज का ध्यान रखेंगे। फिर भी इसकी डिमांड में मैं चेंज करके दिखा रहा हूं बच्चे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओरिजिनल गुड्स नहीं, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज आ रहा है, मतलब रिलेटेड गुड्स हो गया ना, इसके प्राइस में क्या चेंज आ सकता है, मे बी इसकी प्राइस बढ़ गई हो। तो बच्चे जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाए, कॉफी एक्सपेंसिव हो जाए, अगर पहले टी हमारा 5 रुपीज का था और कॉफी हमारा पहले 8 रुपीज का था, अब वो कॉफी की प्राइस बढ़ करके कॉफी हमारा 12 रुपीज का हो जाए, फॉर एग्जाम्पल प्राइस इंक्रीज हो गई, हालांकि टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन कॉफी महंगा हो जाने से ऑटोमेटिकली टी कंपेटिवली हमें चीप लगने लगेगी और सस्ती लगने लगेगी, जबकि टी के प्राइस में कोई भी कमी नहीं आई है, कुछ भी फॉल्स नहीं हुआ है टी का प्राइस, सिर्फ क्या हुआ कि कॉफी की प्राइस इंक्रीज हुई है। तो कंपेयर जब करेगा एक कंज्यूमर, क्योंकि कुछ कंज्यूमर टी भी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ कंज्यूमर कॉफी भी कंज्यूम कर रहे हैं, और जैसे कॉफी की प्राइस अगर महंगी हो जाती है, एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, सस्ती चीजों की तरफ भागता है। तो टी का कंज्यूमर तो अपनी जगह पर बना हुआ है, लेकिन जो कॉफी का कंज्यूमर होगा ना, वो अगर टी को देखेगा तो टी कंपेटिवली ये चीप लगने लगेगी, सस्ती लगने लगेगी, चीपर लगेगा कंपेरिजन में करें तो, हालांकि इसके प्राइस कम नहीं हुआ है, वो महंगा होने से ही ऑटोमेटिक सस्ता लगने लग जाएगा। तो आपको पता है एज अ कंज्यूमर सस्ती चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो कॉफी के जो कंज्यूमर है वो टी कंपेटिवली ज्यादा चीपर लगेगी, तो टी की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, और आपको पता है कि जैसे ही वो टी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो सारे कंज्यूमर तो नहीं खैर, बट कुछ कंज्यूमर जरूर कॉफी से टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ने से टी की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब इतने सारे डिस्कशन में आपको सीखने की जरूरत क्या है, वो ये कि मैं जो भी प्राइस पे डिस्कशन कर रहा हूं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स के, और मैं जो डिमांड पे डिस्कशन कर रहा हूं ओरिजिनल गुड्स के। कई बार स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है उसको समझिएगा, सब्स्टिट्यूट
कॉफी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो कॉफी की डिमांड डिक्रीज होगी। आप बोल सही रहे हो, आप बोल सही रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आपका एग्जाम में कट गया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको यह बताना था कि अदर फैक्टर से किसी कम्युनिटी की डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, मतलब किसी कम्युनिटी के प्राइस में चेंज आए बिना उसकी डिमांड कैसे अफेक्ट हो सकती है, यह बताना था आपको। तो ये कैसे बताया जा सकता है कि आप रिलेटिव गुड्स, मतलब आप सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज करके ओरिजिन गुड्स की डिमांड में चेंज को दिखाने की बात कर रहे थे, और आप ओरिजिन गुड्स की डिमांड को छोड़ करके उसी की डिमांड्स को बता रहे हो, उसी के प्राइस को बता रहे हो, तो अदर फैक्टर से कैसे किसी कम्युनिटी की डिमांड अफेक्ट होगी, वो तो आपने प्रूफ करा ही नहीं, इसलिए क्रॉस हो जाता है। तो ध्यान रखने की जरूरत क्या है आपको, यहां पर किन चीजों का ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है आपको? यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखने की खासकर आपको जरूरत है कि आपको प्राइस कौन सा लेना है रिलेटिव गुड्स, और रिलेटिव गुड्स में हम किस गुड्स को डिस्कस कर रहे हैं, सब्सिट्यूट का, सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस पे डिस्कशन कर रहे हैं, और डिमांड उसी पे मत आ जाना, क्योंकि गलत हो जाएगा ना फिर, वो तो हमें ही पता है जिसकी प्राइस इंक्रीज होगी उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, बट आप यहां पर ये नहीं बता रहे हो ना, यहां पर आप बता रहे हो प्राइस किसी और का, डिमांड किसी और का, अदर फैक्टर की वजह से डिमांड इफेक्ट हो रहा है, इसलिए प्राइस आप ले लो सब्सिट्यूट का, डिमांड ले लो ओरिजिनल गुड्स का। तो सब्सिट्यूट क्या हो गया, कॉफी, कॉफी की प्राइस इंक्रीज होगी तो टी कंपेटिवली चीपर लग हो जाएगी, तो जो कॉफी के कंज्यूमर हैं वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अट्रैक्ट होकर के, और टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाएंगे और टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली क्या समझा आपने, जब सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड ओरिजिनल गुड्स की क्या हुई, इंक्रीज हुई, और मान लीजिए अगर सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती, सस्ती हो जाती, 4 रुपए हो जाती, सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर कम हो जाती, सस्ती हो जाती, 4 रुपए हो जाते, तो अब क्या हाल होता? फिर से मैंने क्या करा, मैंने जो प्राइस में चेंज करा है वो मैंने सब्सिट्यूट गुड्स में करा है, तो सब्सिट्यूट गुड्स के किसी और गुड्स में चेंज आ रहा है, जो आ रहा है मेरे ओरिजिनल गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करके बता रहा हूं, बिना इसके प्राइस में चेंज किए बिना, समझ रहे हो आप? तो सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस क्या हुई, सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस बच्चे डिक्रीज हुई है। तो जब सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज होगी तो अब क्या होगा, अब उसके कंज्यूमर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टी के कंज्यूमर है उनको सस्ती कौन सी लगेगी, आप ये देखो किसको क्या सस्ती लगेगी ये बताओ, क्लियर है ना, किस कंज्यूमर को सस्ता क्या लगेगा वो बताओ। पहले भी मैंने बताया था जब प्राइस इंक्रीज होगी तो सब्सिट्यूट गुड्स के कंज्यूमर के लिए ओरिजिनल गुड्स सस्ती लग रही थी, अब यहां प्राइस कम हो जाएगी तो किस कंज्यूमर को क्या लगेगा, सस्ता लगेगा, तो ओरिजिनल गुड्स के कंज्यूमर को कंपेटिवली सब्सिट्यूट जो है वो चीपर लगेगी, ओरिजिनल गुड्स के कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे आप सब्सिट्यूट गुड्स की तरफ और शिफ्ट हो जाएंगे सब्सिट्यूट गुड्स की तरफ, ओरिजिनल गुड्स के कंज्यूमर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे एंड डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझाया आपको? तो सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाती है तो ओरिजिनल गुड्स के लिए कंपेटिवली सब्सिट्यूट गुड्स सस्ती लगेगी, जिससे कि सब्सिट्यूट गुड्स की तरफ वो अट्रैक्ट होकर के कुछ कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाएंगे ओरिजिनल गुड्स के, और ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में कमी आएगी। बच्चे ये बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बात समझिए इस चीज को, फिर कहने का मतलब क्या है, प्राइस कहीं पे, डिमांड किसी और पे डिस्कशन कर रहा हूं, सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए ये डिस्कशन करते समय पर ये बात अपने दिमाग में रखना, एज अ कंज्यूमर सस्ती चीज की तरफ भागेगा, सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए एक वो गुड्स, मेरी गुड्स, एक मेरी जैसी गुड्स, मेरी गुड्स मतलब ओरिजिनल गुड्स, मेरी जैसी गुड्स मतलब सब्सिट्यूट गुड्स, तो प्राइस उसके और डिमांड में अपने की बात करूंगा, तो सब्सिट्यूट गुड्स के मेरी जैसी गुड्स की प्राइस बढ़ जाए ना तो लोग मेरी गुड्स को पसंद करेंगे, मेरी गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, और लोग मेरी जैसी गुड्स मतलब सब्सिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी ना तो लोग मेरी गुड्स को छोड़ करके वहां चले जाएंगे, मेरी गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं सब्सिट्यूट की प्राइस बढ़ रही है तो ओरिजिनल गुड्स की तरफ लोग आ रहे हैं, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, सब्सिट्यूट की प्राइस कम हो रही है तो लोग उस तरफ जा रहे हैं तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड कम हो रही है, तो सब्सिट्यूट की प्राइस और ओरिजिनल की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। आप कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, आप थोड़ी देर पहले तक पढ़ाते आ रहे थे कि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, अब यहां कह रहे हो आप पॉजिटिव रिलेशन होता है। बच्चे मैंने जो पहले पढ़ाया है ना,
कॉमोडिटी के खुद के प्राइस और उसके खुद के डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। उसकी जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। मैंने ये पढ़ाया है, यहां पर कुछ और टॉपिक चल रहा है, प्राइस किसी और का है, डिमांड किसी और का है। तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस और ओरिजिन गुड्स की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। जब प्राइस किसी और का है, डिमांड किसी और का है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केसेस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग इसको चाहेंगे, तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम होगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड भी कम होगी। क्लियर है बच्चे, ये चीजें आप अच्छे से समझ पाए, कोई डाउट? अब बच्चे हम बात करें, अगर चलिए आइए पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसके डायग्राम पर हम आएंगे। थ्योरी क्या कहता है, अदर फैक्टर पे अब आ गए हम, और अदर फैक्टर में आपको पता है किसी कॉमोडिटी की प्राइस को कॉन्स्टेंट रखते हैं और देखते हैं कि डिमांड किसी और चीज से अफेक्ट हो रही है। अब वो रीजन जो भी हो, उसका प्राइस तो नहीं है ना, तो वो अदर फैक्टर में काउंट होगा। तो सभी जो भी पढ़ने वाले हैं हम, सब अदर फैक्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स दो तरीके की होती है, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट, जो दूसरे की जगह पर यूज होता है। लाइक टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, पेन एंड पेंसिल। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर बढ़े, ध्यान रखिएगा प्राइस सब्स्टिट्यूट बोलो और डिमांड ओरिजिनल बोलो। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट leads to an increase in demand for given commodity. तो given commodity demand क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, and vice versa. For example, if price of substitute goods say coffee increases, then demand for given commodity say tea will rise, as tea will become relatively cheaper in comparison to coffee. इसको हमने और अच्छे से explain कर रखा है, but फिलहाल अभी समझाने के लिए इतनी theory काफी है आपके लिए। अब बच्चे बात करते हैं, सर डायग्राम जरा बनाइए इस केस का, जरा दोनों केस का डायग्राम बनाए। तो आइए जरा डायग्राम भी समझ लेते हैं। हां जी बच्चे, डायग्राम जरा समझते हैं इस केस का। देखिए दो तरीके के केस हैं इसमें। फर्स्ट केस क्या है, अलग अलग डायग्राम बनेगा। फर्स्ट केस क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहले आइए इस केस को डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम बनाने में। बच्चे एक बात कह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले नॉर्मल एक डिमांड कर्व बनाएंगे आप, ठीक है? डायग्राम कैसे बनाना है इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आगे भी क्वेश्चन आएगा आपका, रिपीट होगा क्वेश्चन। ये वाई एक्सिस है, पहले जनरल डायग्राम बना ले नॉर्मल सा डिमांड कर्व का, और नीचे क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे, और यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस। और एक डिमांड कर्व कैसा होता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। क्लियर है बच्चे, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड एक डिमांड कर्व होगा, इसको डीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली एक प्राइस को रिप्रेजेंट करो, डिमांड कर्व को टच करते नीचे आओ, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करो। अब देखिए बच्चे, ये जो डिमांड कर्व बना रहे हो ना, किसका बना रहे हो, ध्यान रहे ओरिजिनल गुड्स का। ओरिजिनल गुड्स का डिमांड कर्व बना रहे हो, ये बताने की कोशिश कर रहे हो। देखिए ओरिजिनल गुड्स के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया है, फिर भी इसके डिमांड में चेंज आ रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, कभी भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंजेस आ रहा हो
और वहां पर उसके प्राइस का रोल नहीं है, प्राइस कांस्टेंट हो और अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी ध्यान सुनिएगा, थोड़ा आपके पास आकर रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है और उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस कांस्टेंट है और रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, तो उस डिमांड में चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर डायग्राम में शिफ्टिंग होगी कर्व की। तो कर्व की शिफ्टिंग कब होती है? जब रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर होता है। कर्व की शिफ्टिंग कब होती है? कर्व की शिफ्टिंग कब होती है? कर्व की शिफ्टिंग का मतलब वो खिसकेगा राइट या फिर लेफ्ट। ये शिफ्टिंग कब होती है? जब डिमांड में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो? अदर फैक्टर हो और उसका प्राइस क्या हो? कॉन्स्टेंट हो। तो यहां पर देखिए, मैं जो गिवन गुड्स का डिमांड कर्व बना रहा हूं, डिमांड में जो भी चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर फैक्टर, और प्राइस क्या? कॉन्स्टेंट है। तो कर्व की क्या होगी? शिफ्टिंग होगी। तो आप फर्स्ट केस समझिए, शिफ्टिंग होगी, इंक्रीज इन, तो आपको इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। आप खुद बताइए, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, मतलब मेरी गुड्स नहीं, मेरे जैसे गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी, तो लोग किसकी तरफ आएंगे? लोग मेरे गुड्स की तरफ आएंगे, मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। और आप ओरिजिनल गुड्स की डिमांड की बात करें, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब सब्स्टिट्यूट्स के प्राइस की बात कर रहे हो तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड की बात करें। सब्स्टिट्यूट की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या होगी? फ्लो में निकल जाता है कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि यहां पर डिमांड किसी और गुड्स की है, तो थोड़ा ध्यान से आप समझिए और सोचिए इस चीज के ऊपर। नहीं तो आप सो की एक बात ध्यान रखिए, डायरेक्ट रिलेशन, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, ओरिजिनल की डिमांड बढ़ेगी, डायरेक्ट रिलेशन। अदरवाइज आपको सोचना होगा कि मेरी जैसे गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो मेरी गुड्स की लोग पसंद करेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो बेसिकली आपको अपना एक गोल सेट करना है कि डिमांड क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी, ये सोचना पड़ेगा। अगर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड, डिमांड इंक्रीज होगी, तो ये डिमांड आपको इंक्रीज करना है। तो गोल पता लग गया क्या होगा यहां पर? डिमांड इंक्रीज होगा, और कर्व की शिफ्टिंग करके ही करना है। तो अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और डिमांड अगर कम होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। तो डिमांड इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये क्या हो गया? ये आपका न्यू डिमांड कर्व हो गया डैश वाला। उसी प्राइस पर आप दिखाएंगे कि अब देखिए प्राइस वही है और डिमांड ओ क्यू से ओ क्यू वन कर रहे हैं, तो क्यू क्यू वन ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए तो ओरिजिनल गुड्स का डिमांड कर्व ऐसा बनेगा, शिफ्टिंग होगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर फैक्टर। ये बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? आप ये बताइए पहले, आप मुझे नहीं हुई क्लियर क्या? नहीं हुई, हो गई ठीक है। चलिए दूसरा केस जरा समझते हैं इसका, सेकेंड केस समझते हैं क्या है। अगर ये होता नॉर्मल ही डायग, अगर ये इंक्रीज की जगह होता डिक्रीज, क्लियर है बच्चे? अगर इंक्रीज की जगह पर क्या होता? अगर इंक्रीज की जगह पर डिक्रीज होता डिमांड, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो एकदम से अंदर हमारे इतना भरा हुआ है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, कि डिक्रीज इन द प्राइस इंक्रीज इन द डिमांड, आप डिमांड बढ़ेगी। आप सीधा बोल दोगे बिना सोचे समझे, आपको यहां पर ये पढ़ना चाहिए था प्राइस किसका चेंज हो रहा है और डिमांड किस पर डिस्कस कर रहे हैं, डिक्रीज इन द प्राइस। यहीं पर बात नहीं खत्म हुई, आगे भी है, ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, मेरी गुड्स नहीं, मेरे जैसी गुड्स की प्राइस कम हुई है, और डिस्कस किसकी डिमांड पे कर रहे हैं? ओरिजिनल गुड्स के डिमांड पे। तो मेरी जैसी दूसरी गुड्स सस्ती हो गई है तो मार्केट में लोग उसको चाहेंगे, मेरी गुड्स की तो फिर डिमांड कम हो जाएगी। तो आपको गोल डिसाइड करना है, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड के ऊपर बात कीजिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस कम हुई तो उसकी तो खैर डिमांड बढ़ेगी, वो तो मैं डिस्कस करना ही नहीं ना, उसकी डिमांड हमें तो अपने गुड्स को देखना है ना, हमें अपने गुड्स की डिमांड को देखना है। तो उसके प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो लोग उसको पसंद करेंगे, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड कम होगी। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं डायरेक्ट रिलेशन होता है इसके बीच में, क्लियर है बच्चे? समझ में आया? आप देखिएगा,
डिमांड कम करना है। और आपको पता है यहाँ पर मेरे जो गुड्स का जो डिमांड कम होगा ओरिजिनल गुड्स का, रिस्पॉन्सिबल क्या इसका प्राइस है? नहीं, इसका प्राइस तो नहीं है, और किसी और का प्राइस है तो उसको अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे। तो कर्व की शिफ्टिंग होगी और डिमांड डिक्रीज होगा और कर्व की शिफ्टिंग होगी, तो डिक्रीज होगा और कर्व की शिफ्टिंग करनी है क्योंकि अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसकी डिमांड में चेंज के लिए। मेरे ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में चेंज अदर फैक्टर की वजह से आ रहा है, तो कर्व की शिफ्टिंग होगी और डिमांड क्या होगा? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, उसकी प्राइस कम होने से उसकी डिमांड कम होगी। तो डिमांड को कम करने के लिए पहले गोल सेट करेंगे ना, तो गोल सेट करेंगे तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो डिमांड को कम करेंगे तो फिर कम करना तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो और बढ़ाना है तो राइटवर्ड शिफ्ट कर दो, क्योंकि जितना आगे जाओगे उतना बढ़ेगा, जितना पीछे को उतना कम होगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। तो ये डैश डैश डिमांड कर्व बना दिया हमने। क्लियर है बच्चे, समझ गए? तो यहां पर आप देखें इस चीज को, तो ये उसी प्राइस पर, सेम प्राइस पर पहले OQ डिमांड कर रहे थे, अब क्या डिमांड कर रहे हैं? OQ1। तो कर्व के शिफ्टिंग करके फिर उसी प्राइस पर टच करके नीचे आ जाओ और बता दो डिमांड देखिए कम हो गई है पहले से। क्लियर है बच्चे? तो ये क्या था हमारा, ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के लिए सिर्फ उसकी प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, कई बार प्राइस कांस्टेंट होती है, और उस कमोडिटी की नहीं तो किसी उसके रिलेटिव गुड्स के प्राइस के रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इट मीन्स उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब वो कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इन चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया है। आप MCQs में इतना लेंथी, आप लेंथ डेप्थ में नहीं सोच सकते हैं 1 मार्क्स में, तो आप एक शॉर्ट में ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूट की प्राइस ओरिजिनल की डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, प्राइस बढ़ी डिमांड बढ़ी, प्राइस कम हुई डिमांड कम हुई। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं इस शॉर्ट में, इसको लर्न कर करके। क्लियर है बच्चे, समझ में आ गया आपको ये? कोई डाउट? हाँ जी बच्चों, अब जरा देखिएगा इसी चीज को, अब हम एक थ्योरी में पढ़ते हैं डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसको हमने समझा है, एक बार देखते हैं अब थ्योरी में, क्योंकि जो आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया गया है उसमें क्या लिखा है जरा उस पर एक नजर मारते हैं। जनरली आप जानते ही हैं कि जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो जाएगी, मतलब मेरी गुड्स की प्राइस नहीं, मेरे जैसी दूसरी गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी, तो लोगों के लिए तो वही, लोगों की चॉइस में, प्रेफरेंसेस में वही आ जाएगा कंज्यूमर के लिए, क्योंकि सस्ती चीजों की तरफ जाते हैं। तन उसकी डिमांड होगी सो होगी, बट मुझे उसकी डिमांड पर डिस्कशन नहीं करना, मुझे अपनी पर डिमांड पर फोकस करना है। तो अब मेरे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि लोग वो लेंगे। तो जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज होगी तो ओरिजिनल गुड्स की भी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आइए जरा इस चीज को जरा समझते हैं। तो पहले क्या कहता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्टरनेटिव गुड्स टू सेटिस्फाइड आर गिवन वांट्स टेंड टू डिवाइड द टोटल डिमांड। ये क्या कर रहा है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का ये एक डेफिनेशन दे रहा है कि अल्टरनेट किसी गुड्स का, अल्टरनेट कोई दूसरा गुड्स जो कि आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे और वो टोटल डिमांड को डिवाइड करता हो, कुछ लोग ये भी ले रहे हैं कुछ वो भी ले रहे हैं। फॉर इंस्टेंस ऑफ कॉफी इज सब्स्टिट्यूट फॉर टी, तो यहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि कॉफी सब्स्टिट्यूट है किसके लिए, टी के लिए। तो टी आपका ओरिजिनल गुड्स हो गया, आपको टी के डिमांड पर डिस्कस करना है, और कॉफी सब्स्टिट्यूट हो गया तो कॉफी के प्राइस पर डिस्कस करना है आपको। इन प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज, मतलब सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम हो रही है। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो मीन्स द प्राइस ऑफ टी वॉज इंक्रीजेस। कह रहा है अगर कॉफी की प्राइस कम हो जाएगा तो इनडायरेक्टली मेंशन कर रहा है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब कि ऐसा लगेगा, एक्चुअल में हुआ नहीं है, ऐसा लगेगा जब कॉफी की प्राइस कम होगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि चाय की प्राइस बढ़ गई हो, या फिर चाय महंगी हो गई, एक्सपेंसिव हो गई हो, पर एक्चुअल में चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, वो कॉन्स्टेंट है टी की प्राइस, बट ऐसा लगेगा, इसलिए ऐसा वर्ड यूज करा है इनडायरेक्टली, ये वर्ड यूज करा है इनडायरेक्टली। इट ऑल्सो मीन्स द प्राइस ऑफ टी वॉज इंक्रीजेस इन रिलेशन टू दैट ऑफ कॉफी। कहने का मतलब इसका यह है कि कंपेटेबली हमारा टी मोर एक्सपेंसिव रहेगा, सो मैनी कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट फ्रॉम टी टू कॉफी, चाय से कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि कॉफी सस्ती है। डिमांड फॉर टी विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट डिमांड कर्व टी विल शिफ्ट टू द लेफ्ट शोन इन द फिगर। आपने जैसे कि डायग्राम में इस चीज को देखा भी है और इस चीज को आपने समझा भी है, तो इस तरीके की थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी इसमें, जो कि हमने अच्छे डिस्कस कर लिया है। क्लियर है बच्चे? तो रिलेटेड गुड्स में हमने एक पॉइंट पढ़ लिया है, कौन सा,
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जब इंक्रीज होगा तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड इंक्रीज, जब सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज होगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड डिक्रीज। सो कि एक बात कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। हाँ जी बच्चे, तो यहां पर अब हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो पॉइंट नंबर टू अदर फैक्टर हमने स्टार्ट किया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो आपको स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया गया है कि किसी भी गुड्स से रिलेट करते हुए दो गुड्स होती हैं, एक जो उसकी जगह रिप्लेस हो जाए जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक जिसके बिना वो यूजलेस हो जाए उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अब हम रिलेटेड गुड्स में पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर वन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सब्स्टिट्यूट गुड्स, अब इसी में रिलेटेड गुड्स में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में अब पॉइंट नंबर टू डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन आया होगा, तो बच्चे ध्यान रखिए वो गुड्स जो ज्वाइंटली यूज में होते हैं, जो एक साथ यूज में आते हैं, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जो एक दूसरे के बिना यूजलेस हो जाएं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल निडल्स एंड थ्रेड, सुई धागा। सुई धागा में अगर आप देखेंगे, धागा नहीं है तो सुई यूजलेस है, और सुई नहीं है तो वो धागा यूजलेस है, और जब भी यूज करते हैं दोनों को ज्वाइंटली यूज करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, एक दूसरे से कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, अगर इंक नहीं है तो मार्कर यूजलेस है, एंड मार्कर नहीं है तो ये इंक यूजलेस है। कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अब तो आप कहेंगे सीएनजी का ऑप्शन है ठीक है, लेकिन पुराना एग्जांपल चलता आ रहा है तो उसको आज भी कंटिन्यू करते हैं। कार एंड पेट्रोल, अगर कोई पेट्रोल वाली कार है तो कार एंड पेट्रोल में अगर वहां पे सीएनजी का ऑप्शन अलग से नहीं लगवाया हुआ है तो उस केस में तो कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के बिना यूजलेस है, दोनों एक ही साथ यूज में भी आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स हुए, वो गुड्स जो कि ज्वाइंटली यूज होते हैं, एक साथ यूज होते हैं और एक दूसरे के बिना वो यूजलेस हो जाते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपके सामने रख लिया, क्लियर है, उसे हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब आइए समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दो चीजें लेते हैं, एक ओरिजिनल गुड्स और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं, तो इसको अच्छे से समझते हैं हम। सबसे पहले प्राइस, हम उसी पॉइंट पर अभी भी हैं, किस पॉइंट पर कि किसी गुड्स को ओरिजिनल गुड्स कंसीडर करेंगे और बताएंगे उसकी डिमांड में चेंजेस तो आ रहा है, लेकिन प्राइस क्या है, प्राइस कॉन्स्टेंट है। प्राइस क्या है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, बट डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर प्राइस को छोड़ के बाकी कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा, उन सबको अदर फैक्टर बोलते हैं, और यहां पर मैं इसके रिलेटिव गुड्स के प्राइस डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें रिलेटेड में कौन सा निकल के आया सामने, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहां ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए कॉम्प्लीमेंट इसके गुड्स के प्राइस नहीं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस से इसकी डिमांड कैसे अफेक्ट हो रही है। तो यहां पर दो तरीके की गुड्स लेके चल रहा हूं मैं, एक तो गिवन गुड्स, डिमांड किसकी ले रहा हूं, एक तो गिवन गुड्स, डिमांड, और एक हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसकी प्राइस क्लियर है, और आपको पता है कि गिवन गुड्स का जो प्राइस है ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर भी इसकी डिमांड। तो आइए चेक करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर, गिवन गुड्स में कार या स्कूटर, और यहां पर ले लेते हैं पेट्रोल, एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, दो चीजें, इसकी प्राइस तो कॉन्स्टेंट है ओरिजिनल गुड्स की। ध्यान रखिएगा इस चीज पे हमेशा बच्चे भटकते हैं पेपर में, 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, 10 साल में मैं ये कॉमन मिस्टेक हमेशा हर बार देखता रहता हूं, क्या जिसकी प्राइस में चेंज करते हैं उसी की डिमांड को डिस्कस करने बच्चे बैठ जाते हैं, लेकिन आप अपना एम और टारगेट ना भूलें, आप प्राइस ले रहे हो रिलेटिव गुड्स का ना कि ओरिजिनल गुड्स का, ओरिजिनल गुड्स का प्राइस तो कांस्टेंट कर रखा है फिर भी इसकी डिमांड में चेंज दिखा रहे हो, तो रिलेटिव गुड्स का प्राइस ले रखा है, रिलेटिव गुड्स में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में डिस्कस करो, और जब डिमांड पे डिस्कशन की बारी है तो ओरिजिनल की डिमांड पे आ जाओ, क्योंकि आपको बताने की कोशिश करना है देखिए ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में चेंज आ रहा है बिना इसके प्राइस में चेंज किए, बिना ऐसे फोकस्ड रहो आप।
बच्चा फ्लो में क्या लिख जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड डिक्रीज होगी। हाँ होगी, पर हमें तो यहाँ पर ये यह बताना ही नहीं था, हमें तो यहाँ पर ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में चेंज करके दिखाना था बिना इसकी प्राइस में चेंज किए। तो हम अपने आंसर से भटक के कुछ और डिस्कस करने लग गए हैं, तो वहां पर मार्क्स बच्चे के कट जाते हैं, तो इसी का ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर प्राइस किसके डिस्कस करेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के, और डिमांड किसके डिस्कस करेंगे, गिवन गुड्स के। तो प्राइस क्या हुआ, डिमांड लिख देते हैं पूरा पूरा, कोई कंफ्यूजन ना रहे। फॉर एग्जांपल पेट्रोल अगर महंगा हो जाए, प्राइस बढ़ जाए पेट्रोल का, तो कार को यूज करना हम सबके लिए कॉस्टली हो जाएगा। पेट्रोल अगर 150-200 रुपए लीटर हो जाए तो हम सबके लिए कार को या स्कूटर को यूज करना बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचेंगे कि यार स्कूटर से जाएंगे, इससे अच्छा अपना मेट्रो या फिर बस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ जाए, इंक अगर बढ़ जाए तो इसको यूज करना महंगा हो जाएगा। धागे का रेट बढ़ जाए तो सुई धागे को यूज करना महंगा हो जाएगा। पेट्रोल महंगा हो जाए तो कार को यूज करना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर के लिए कार को अब यूज करना एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल के साथ ही तो कार चलेगा या फिर स्कूटर। तो फिर लोग स्कूटर की डिमांड क्या करने ले जाएंगे, कम करने ले जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, तो डिमांड क्या होगी, कम हो गई। तो आप देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस अप हो रही है, तो ओरिजिनल गुड्स को यूज करना जो है एक्सपेंसिव हो रहा है, तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पर देयर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। इससे पहले जो आपने पढ़ा प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स, डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। और जब कॉम्प्लीमेंट्री पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस और ओरिजिनल की डिमांड, तो यहां पर इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, 30-40 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, तो अगर हमें आसपास के मेट्रो से जाना भी हो तो सोचते हैं चलो छोड़ो मेट्रो से, कह जाए अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, तो हम जो है खुद के प्राइवेट व्हीकल्स का हम यूज करने लग जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही पेट्रोल सस्ता होगा तो लोग कार की डिमांड बढ़ा देंगे। तो ये क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और ओरिजिनल गुड्स के, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और ओरिजिनल गुड्स की डिमांड, इनके बीच में, किसके किसके बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री और ओरिजिनल नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस और ओरिजिनल गुड्स की डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ये डिफाइन करेगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, ये समझ में आएगा आपको। आइए आप सोच रहे हो सर ये डायग्राम कैसा बनेगा, तो आइए डायग्राम बना लेते हैं जरा। डायग्राम से समझते हैं इसको अच्छे से। तो डायग्राम में पहले फर्स्ट केस हम समझेंगे, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो पहले जनरल आप एक डिमांड कर्व का डायग्राम बनाएंगे, एक नॉर्मल सा। सबसे पहला काम तो ये आपको करना ही करना है, चाहे डायग्राम किसी का भी हो, वाई एक्सिस एंड ओ एक्सिस, दिस इज अ डिमांड कर्व, यहां पर प्राइस रिप्रेजेंट, ये लिखना बहुत जरूरी है, और यहां पर क्वांटिटी, और ये डिमांड कर्व हो गया लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। आप कहीं भी एक प्राइस ले लीजिए बताने के लिए, और डिमांड का लेवल ये है क्वांटिटी। अब बच्चे देखिए क्या है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मैं डिमांड कर्व किसका बना रहा हूं, गिवन गुड्स का। तो बच्चे देखिए यहां पर गिवन गुड्स की डिमांड में चेंज कर रहा हूं, क्या गिवन गुड्स की प्राइस रिस्पॉन्सिबल है या कोई और रिस्पॉन्सिबल है? प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, कोई और रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक बात तो कंफर्म है कि कर्व की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था किसी भी गुड्स के डिमांड में चेंज आ रहा है और उसके प्राइस कॉन्स्टेंट है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उस गुड्स की डिमांड कर्व की शिफ्टिंग होगी, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। आइए इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो गिवन गुड्स की डिमांड क्या होगी, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो गिवन गुड्स स्कूटर डिमांड क्या होगी, डिमांड डिक्रीज होगी। तो गोल सेट कर लिया कि इस सिचुएशन में डिमांड, सिचुएशन पहले
डालना पड़ेगा, फिर इट एक्सप्लेन होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ जाए तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, उसको यूज करना एक्सपेंसिव हो जाएगा, और आपको डिमांड कम करके बताना है। तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डैश डैश डिमांड कर्व है, डी वन डी वन डी डैश डी डैश, और इसी प्राइस पर, इसी सेम प्राइस पर टच करके नीचे आ जाएंगे और बताएंगे देखिए प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, उसी प्राइस पे डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। आइए जरा बच्चे इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। थ्योरी क्या कहता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज्ड जॉइंटली टू सेटिस्फाइड अ गिवन वांट, किसी भी वांट को सेटिस्फाइड करने के लिए जॉइंटली यूज होते हैं। स्कूटर एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट हैपेंस टू डिमांड फॉर पेट्रोल विल आल्सो हैपेंस टू डिमांड फॉर स्कूटर, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल राइज इट विल डिक्रीज द डिमांड फॉर स्कूटर। क्लियर है बच्चे? और यहां पर इसमें इनवर्स रिलेशन पाया जाता है और आपका ये हो गया डायग्राम। क्लियर है? तो यहां पर आपने एक केस तो डिस्कस कर लिया, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और अगर वही आपका दूसरा पॉइंट था डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल सस्ता हो जाए तो लोगों के लिए कार को यूज करना थोड़ा सस्ता रहेगा, तो या पेट्रोल को स्कूटर को यूज करना सस्ता रहेगा, उसकी डिमांड लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन होता है। तो आइए जरा दूसरा पॉइंट समझते हैं, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बच्चे आप समझिए जरा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस अगर डिक्रीज हो, क्या पहले ए पार्ट, इसका ए पार्ट था ना, अब जरा इसका बी पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये था, ये कह सकते हैं आप डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज्ड जॉइंटली टू सेटिस्फाइड अ गिवन वांट्स, स्कूटर एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डेफिनेशन तो सेम रहेगी, व्हाट हैपन टू डिमांड फॉर पेट्रोल विल आल्सो हैपन टू डिमांड स्कूटर इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल राइज। अब यहां पर मैं इसको कह देता हूं फॉल, इट विल डिक्रीज। अब क्या होगा, अगर प्राइस पेट्रोल कम होगा तो फिर स्कूटर की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज द डिमांड फॉर स्कूटर। समझ में आया बच्चे? क्लियर है? तो उसी चीज को हमने कैसे आगे डेवलप कर दिया, आगे मैं क्या समझा रहा हूं आपको जरा समझिए पहले। डिमांड कर्व की जरा समझिए इस चीज को, मैं आपको बता रहा हूं, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉर एग्जाम्पल स्कूटर, और गिवन गुड्स क्या हमारा, गिवन गुड्स, और एक हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, गिवन गुड्स में क्या आ गया हमारा स्कूटर, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या आ गया प्राइस, सॉरी पेट्रोल। तो गिवन गुड्स के मैं डिमांड पे डिस्कस करूंगा और प्राइस में किसका लूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटिव गुड्स। तो अगर प्राइस कम हो जाए तो लोगों के लिए स्कूटर को अब यूज करना, पेट्रोल सस्ता हो जाए स्कूटर को यूज करना उनके बजट में रहेगा, उनके अंडर में आएगा, उनके लिए सस्ता रहेगा, तो वो स्कूटर की डिमांड क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इनवर्स रिलेशन है। इसी चीज को जरा आप डायग्राम के थ्रू समझें, मैं गिवन गुड्स का डिमांड कर्व बना रहा हूं, पहले एक नॉर्मल ही आप डिमांड कर्व बनाएं इस सिचुएशन में, ये वाई एक्सिस है ओरिजन है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका प्राइस है, और ये आपका क्वांटिटी है, ये आपका डिमांड कर्व है, प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर है बच्चे? समझ रहे हैं आप? ये आपका क्या डिमांड कर्व है, प्राइस, और ये क्या आपका क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज पूछिए। तो ये प्राइस है, क्वांटिटी है, एंड ये आपका डिमांड कर्व है। मैं डिमांड किसका बना रहा हूं ये भी क्लियर होना चाहिए, मैं गिवन गुड्स का बना रहा हूं। अब बच्चे बताएं, जो गिवन गुड्स है
उसके डिमांड कर बना रहा हूं, तो यहां पर डिमांड गिवन गुड्स की डिमांड में जो भी चेंज आ रहा है, क्या इसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है? क्या स्कूटर का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, पेट्रोल का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, उसके प्राइस का तो कोई रोल नहीं है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कर्व की शिफ्टिंग होगी, ठीक है। अब क्या होगा अगर आप यहां पर क्या कर रहे हैं, अगर आप डिक्रीज हो जाएगा, अगर पेट्रोल पेट्रोल की जो प्राइस अगर वो कम हो जाए तो स्कूटर की जो डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो गोल समझ में आया, डिमांड बढ़ाना है तो कर्व की शिफ्टिंग होगी इसमें, क्योंकि अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, उसकी प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, गिवन गुड्स की प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो कर्व की शिफ्टिंग होगी। तो क्या होगा डिमांड पर, डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जब भी डिमांड इंक्रीज होगा तो आप आगे शिफ्ट करें, और जब डिमांड डिक्रीज होता है तो आप लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें, तो आप राइटवर्ड शिफ्ट कर दें। क्लियर है, समझ में आया बच्चे, क्लियर है ना? तो आपका उसी प्राइस पर आप बताएं अब डिमांड क्या है, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। थ्योरी क्या कहता है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर यूज ज्वाइंटली टू सेटिस्फाइड अ गिवन वांट्स, स्कूटर एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हाट हैपन टू डिमांड फॉर पेट्रोल विल आल्सो हैपन टू डिमांड फॉर स्कूटर, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पेट्रोल फॉल इट विल इंक्रीज द डिमांड फॉर स्कूटर। और डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर है बच्चे? तो यहां पर हमने पॉइंट नंबर टू कंप्लीट कर लिया है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के, हर गुड्स के दो रिलेटेड गुड्स होते हैं, एक उसके जगह यूज आने वाली दूसरी गुड्स जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक जिसके बिना वो यूजलेस है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस और ओरिजिनल गुड्स की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। इस डायरेक्ट रिलेशन को याद रखेंगे तो एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। क्लियर है बच्चे? तो ये पॉइंट नंबर टू हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें दो गुड्स हमने पढ़ लिए हैं।